नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एवरग्रीन स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें, इसके बाद आ रहे बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, हम बीएड माइक्रो टीचिंग की बात कर रहे थे। बीएड माइक्रो टीचिंग में प्रस्तावना को सर पढ़ रहे थे, कुछ कमेंट आ रहे थे हिंदी के टॉपिक डालो, हिंदी के टॉपिक डालो, तो हिंदी के टॉपिक मैंने डाल दिए हैं और टॉपिक अभी वीडियो बना रहे हैं, जल्दी डाल देंगे। सबसे पहले जो मैंने बताया आपको, आप अगर कोई भी कौशल की देने जाते हो क्लास लेक्चर, तो आपको क्या करना है, जाते ही आपको बोर्ड मेंटेन करना है। बोर्ड मेंटेन के अंदर सबसे पहले आपको दिनांक, जो दिनांक है वो लिख दीजिएगा, जैसे कि आज की तारीख 11/9/2018। इधर आप लिखिए कौशल, कौशल अपना चल रहा है प्रस्तावना कौशल। इधर क्या लिखोगे आप, कौशल के नीचे होता है प्रकरण, यानी कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ाओगे, और मैंने क्या कहा, प्रकरण को करते हैं हमेशा अंडरलाइन। इधर आप सब्जेक्ट लिखोगे, यानी कि विषय, विषय हम आज अध्ययन करेंगे हिंदी के बारे में, तो आप हिंदी लिख दोगे। आप यहां पे लिखोगे कक्षा, कौन सी कक्षा पढ़ा रहे हो, मान लीजिए 7th क्लास को पढ़ा रहे हैं, कालास आप जिस टाइम पढ़ा रहे हो उस टाइम स्कूल का कौन सा पीरियड चल रहा है, मान लीजिए चल रहा है 4th पीरियड। एक बार फिर बता देता हूं कि जब भी आप रोमन स्क्रिप्ट में लिखो TH, RD, ND ये इनका प्रयोग नहीं करें। फिर आएगा समय अवधि, तो जो क्लास होती है स्कूल के अंदर वो तो 30 से 35 मिनट की होती है, लेकिन जब आप एक माइक्रो टीचिंग देने जा रहे हो तो माइक्रो टीचिंग की जो क्लास होती है वो 5 से 7 मिनट की होती है। ये आप लिख दोगे। अगर बात प्रस्तावना कौशल की है तो प्रस्तावना कौशल में आप डायरेक्ट बच्चों से रूबरू होगे, उनसे प्रश्न पूछोगे, प्रश्न इस टॉपिक से संबंधित नहीं होने चाहिए, इस टॉपिक से पूर्व ज्ञान से संबंधित होने चाहिए, यानी कि जो पहले से बच्चों को पता होने चाहिए। जैसे कि आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, प्रश्न से रूबरू होते हैं, अपने किसी भी बात को आदान प्रदान करने के लिए किसका यूज में लेते हैं, पर्सन आपके सरल होने चाहिए, अपनी बात को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच आदान प्रदान के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो अपने किसका प्रयोग करते हैं, अपने भाषा का प्रयोग करते हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका डायरेक्ट ही भाषा। अब सेकंड क्वेश्चन, अपने जो देश की या अपने भारत की, अपने जो मर्जी लिख लेना, अपने देश की राजभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, ये भी आपको अनस्वर बच्चों से मिल जाएगा। क्या है, हिंदी। आप 7th क्लास को पढ़ा रहे हो, यानी कि 6th क्लास में आपने बच्चों को संज्ञा करवा दी है बेसिक, तो बच्चों को थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया है हिंदी के अंदर क्या क्या होता है, तो आप बच्चों से पूछोगे कि हिंदी को कितने भागों में विभाजित किया गया है, हिंदी के कितने भाग हैं, तो हिंदी के कितने भाग होते हैं, हिंदी का भाग होता है गद्य, पद्य और व्याकरण, यानी कि प्रश्न आपके टॉपिक से संबंधित नहीं होने चाहिए, प्रश्न होने चाहिए बच्चों के पूर्व ज्ञान से, और पिछले सबसे पहले पूर्व ज्ञान संबंधित, उसके बाद जो आंसर आएगा उस आंसर का आगे प्रयोग करना है, और उनका आंसर भी बच्चों को पता होना चाहिए। भाषा, भाषा क्या है, हिंदी, हिंदी के प्रकार क्या है, गद्य पद्य व्याकरण आ गया। तो अब आप प्रश्न पूछ सकते हो, व्याकरण में क्या होता है, या व्याकरण में किस चीज की पढ़ाई होती है, व्याकरण में क्या होता है, तो व्याकरण में क्या होता है बच्चे बता देंगे, क्योंकि उन्होंने पीछे पढ़ा होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारे आंसर बच्चों के आ जाएंगे, अलग अलग आंसर आएंगे, कोई संज्ञा कहेगा, कोई सर्वनाम कहेगा, कोई क्रिया कहेगा, कोई विशेषण कहेगा। आप 5वां प्रश्न, जो कि समस्यात्मक होता है हमेशा ही, आप क्या पूछोगे,
सर्वनाम के बारे में आप क्या जानते हैं? ये क्या है? इसके बारे में आप क्या जानते हैं? सर्वनाम के बारे में बच्चे नहीं जानते होंगे, तो इसको अपने लिख देंगे समस्यात्मक। क्या लिख देंगे? समस्यात्मक डायरी के अंदर। इसके बाद अपने नीचे लिख देंगे क्या? उद्देश्य कथन, कि आज हम सर्वनाम के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। और यहाँ पे बच्चों से क्या कह देंगे? हाँ जी, आज हम सर्वनाम के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। और जब आप माइक्रो टीचिंग दे रहे हो उस टाइम आप ये प्रश्न पूछे, लास्ट में जब समस्यात्मक आ गया आप प्रकरण यहाँ पे लिख दोगे सर्वनाम। और मैंने क्या कहा, प्रकरण हमेशा क्या करते हैं, अंडरलाइन। सर्वनाम या सर्वनाम के प्रकार, जो भी आपका प्रकरण है आप प्रकरण लिखो, अंडरलाइन करो और छोड़ दो। थैंक यू फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण।